आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहां पर जो मुद्दा है वो मुद्दा इस समय बहुत ही सरगर्मी में है। सरगर्मी क्योंकि जब भी कोई धार्मिक मुद्दा होता है वो सरगर्मी में हमेशा आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। और जहाँ पर पक्ष और विपक्ष होते हैं और जब मामला धार्मिक होता है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी तीखे होने लगते हैं। हालांकि इस पर अभी तक जो विवाद है वो विवाद चलता आ रहा था, और उस विवाद की शुरुआत अगर हम कहें तो ये इसका केंद्र भारत नहीं मान सकते हम, ये विवाद सदियों पुराना है। कई बार कई देशों में इस विवाद पर चर्चा भी हुई, और ईरान से लेकर भारत तक इस विवाद पर चर्चा चल रही है। अगर भारत में विवाद की बात करें तो विवाद की जो मूल जो समस्या रही वो कर्नाटक के उडीपी में रही, जहां पर हिजाब को बैन को लेकर याचिका दाखिल की गई, 1 जनवरी 2021 का मामला। और इस मामले पर लगातार सुनवाई होती रही, हाई कोर्ट का फैसला अलग रहा, उसके बाद जब फैसला सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ पर भी इस माना जाता कि शायद ही फैसला सुलझेगा, पर फैसला सुलझने की जगह और उलझ गया है। उलझ ये गया है कि जो दो जजों की पीठ थी उनकी अलग अलग राय है। एक का कहना है कि यहाँ पर बैन जारी रहेगा, एक का कहना है कि कुछ उसमें कर सकते हैं, इसमें भी कोई इसको भी हम आगे भेज सकते हैं। तो निश्चित रूप से विवाद अब इसलिए बड़ा होता जा रहा है। पर कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात है कि हिजाब है क्या और हिजाब पर विवाद है क्या, क्यों विवाद हो रहा है। अगर हम ईरान की बात करें तो वहां पर सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने पर जो अनिवार्यता है, महिलाओं का कहना है कि हिजाब हमारे लिए होना चाहिए और हमें तय करना चाहिए कि हमको हिजाब कब पहनना है कब नहीं पहनना है। और यहां पर यह भी कहना है कि इस्लाम में हिजाब को अनिवार्य नहीं किया गया है, जैसे 3 तलाक अनिवार्य नहीं किया गया है। ये कहने वाली बातें जो कहा जा रहा है, 3 तलाक भी अनिवार्य नहीं किया, गोकसी भी अनिवार्य नहीं है, तो हिजाब भी अनिवार्य नहीं है। फिलहाल इस पर मुद्दे पर कुछ बयान सुनते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि एक यूनानिमस जजमेंट आएगा, कर्नाटका के जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल को जा रही हैं उनके फेवर में, तो मगर फाजिल जजेस ने एक अलहदा अपना फैसला दिया है। मगर एक बात समझने की ज़रूरत है कि एक ऑनरेबल जज साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है, ये खुद एक बड़ी अच्छी बात है। और जो फाजिल जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है, उन्होंने जो अभी तक जजमेंट अपलोड नहीं हुआ है, जो मीडिया से जो हमने पढ़ा है, खासतौर से लाइव लॉ हो या बार एंड बेंच हो, जिसमें उस जज साहब ने कहा है कि द मेन थ्रस्ट ऑफ माई जजमेंट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ERP वॉज नॉट एसेंशियल टू द डिस्प्यूट। हिजाब को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की दो अलग अलग राय आई है, उस राय का हम सम्मान करते हैं, और अभी यह फाइनल डिसीजन नहीं है, यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की राय है। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी फैसला आएगा वो हिजाब के हक में होगा, क्योंकि हिजाब के मसले के ऊपर हमारे यहाँ शरीयत में बाकायदा रसूल इस्लाम की बेटी जनाब फातिमा जहरा आइडियल हैं। जो लोग कुछ इस्लामी ममालिक का हवाला दे रहे हैं, हमारे लिए इस्लामी ममालिक आइडियल नहीं है। हमारे लिए प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी जनाब फातिमा जहरा आइडियल हैं, लिहाजा उन्हीं ने औरत को इज्जत दी है और इस्लाम मजहब ने औरत को इज्जत दी है। पत्थर पत्थर भी होता है और हीरा भी पत्थर होता है। एक पत्थर सड़क पर पड़ा होता है, एक पत्थर ज्वेलरी बैंक के अंदर लाकर में रखा होता है या घर के अंदर हिफाजत से रखा होता है। लिहाजा मजहब इस्लाम ने औरत को हीरा समझा है, इसीलिए हिजाब में रहने का हुक्म दिया है। लिहाजा मैं उम्मीद करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप न करते हुए, उम्मीद है कि जो भी फैसला सुनाएगा वो हिजाब के हक में सुनाएगा। अभी जो फैसला आया 2 जजों की बेंच ने दिया, उसमें जस्टिस गुप्ता ने जो फैसला दिया है वो फैसला, वो जो देशी कट्टरपंथी सोच है वो लोग खुश हैं। और जस्टिस दुलिया ने जो फैसला दिया है कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत, उसको गलत ठहरा दिया, वो देश की सेकुलर सोच को जाहिर करता है।
हम सब लोग जस्टिस धुलिया का स्वागत करते हैं। किसी भी धर्म के सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, चाहे वो मेरा धर्म हो चाहे किसी का धर्म हो। हम लोग जस्टिस धुलिया के इस फैसले के साथ खड़े हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। आज हिजाब मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने जो बातें कही हैं कि राइट टू एजुकेशन और राइट टू चॉइस, और ये बच्चियों की अपनी चॉइस है कि वो सर कवर करें ना करें, लेकिन एजुकेशन के रास्ते में कोई रुकावटें नहीं डालनी चाहिए, और इन तमाम बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। और जिस तरीके से मामला लार्जर बेंच को रिफ़र किया गया है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्जर बेंच जो हिजाब का जो मजहबी एंगल है उसको सीरियसली ज़रूर कंसिडर करेगा। और वह एंगल यही है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो तमाम बातें हमारे यहाँ एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ आर रिलीजन है। और हिजाब के सिलसिले में अल्लाह ने कुरान की सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में मुस्लिम बच्चियों को ये हुक्म दिया है कि जब सर घर से निकलें तो अपना सर कवर कर लें, लिहाजा बच्चियों को हिजाब करने से रोकने का कानूनी भी किसी को कोई हक और इख्तियार हासिल नहीं है। देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियाँ और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी नुकसान, न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। हिजाब का ताल्लुक़ मज़हब से भी है और हमारे बुनियादी हुकूक से भी है, और हमारा बुनियादी मकसद यही है कि के बच्चों को आला से आला तालीम से आरास्ता किया जाए। और इस ताल्लुक़ से अगर हमारे जज फैसला करते हैं और इस बुनियादी नुक्ते को अपने जहन में रखकर बात करते हैं, तो यकीनी तौर पर न तो संविधान के ख़िलाफ़ कोई बात होगी और न मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात होगी। इसलिए मेरा यही मानना है कि जस्टिस धुलिया साहब के ही फैसले को और उनके नज़रियात को बुनियाद बनाकर आगे की कार्रवाई सुनने की और उस पर अमल करने और उस पर फैसला करने की ज़रूरत है। तो महत्वपूर्ण मुद्दा है और मुद्दे पर बात करने के हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको रूबरू करा दूँ, प्रवक्ता भाजपा ग्रुप में अश्विनी साई भाई अपनी बात रखेंगे, समाज सेविका में ऐमन रजवी जी अपनी बात रखेंगी, दिलीप जसवर्धन भाई बिडी विशेषज्ञ के रूप में अपनी बात रखेंगे, आमिर सबरी भाई मुस्लिम स्कॉलर के रूप में अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपके रूप में सैयद मोहम्मद तकी भाई अपनी बात रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार रूप में हमारे पवन श्रीवास्तव भाई अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा का विषय है और निश्चित रूप से ज़रूरत क्या है। निश्चित रूप से जो फैसले आए हैं, दो फैसले, कि एक ने कहा कि जो बैन है वो जारी रहना चाहिए, दूसरे ने कहा कि ये पसंद और नापसंद पर निर्भर होना चाहिए, अगर उनकी पसंद है तो पहनना चाहिए, नहीं पसंद है, पर शिक्षा के बीच में इस तरह की चीज़ें आड़े नहीं आने चाहिए। निश्चित रूप से जो महिलाओं की व्यवस्था हमारे समाज में है वो ऐसी है कि अगर हम बात करें पर्दा प्रथा की बात करें या हिजाब की बात करें, तो अब चीज़ें खुली ट्रेंड बदल रहा है, सम्मान हृदय में होना चाहिए। पर यहाँ पर जिस तरह से अब चूँकि मामला कोर्ट में है, तो इस पर चर्चा महत्वपूर्ण है, और चर्चा इसलिए भी है क्योंकि ये जो मामला है ये केवल महज भारत में नहीं, कई देशों में इस मामले पर चर्चा भी हुई है, और अभी ईरान में भी ये मामला लगातार चल रहा है। खैर, फिर हम अपने देश की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं प्रवक्ता भाजपा से। अश्विनी भाई, यहाँ पर फैसला आया है और दो अलग अलग जजों की अलग अलग राय है, अमूमन देखा जाता है कि कोई बड़ा फैसला यहाँ पर आएगा, पिछले डेढ़ साल से ये मामला पूरा चल रहा है और बड़ा विवाद रहा, कैसे देखते हैं इस फैसले को? अब सुप्रीम कोर्ट में ये है, माननीय जजों के बीच में भी भिन्नता है, और आगे अब तीन जजों की बेंच में अब जो फैसला आए वो अलग बात जी। मगर जो यहाँ पर चर्चा हो रही है पूरे देश में और माननीय जजों के बीच में भी जो चर्चा हुई है जी, उसमें कुछ प्रमुख बातें निकल कर आई जी। उनके भी विचार, जैसे मान लीजिए कि आप विचार रख रहे हैं और मैं विचार रख रहा हूँ, दोनों में भिन्नता है जी। लेकिन इसमें दो तीन महीने चार महीने पहले जब से ये विवाद शुरू हुआ तब हमको चलना चाहिए जी। स्कूल में जो विवाद शुरू हुआ था जी, वो स्कूल के गेट तक महिलाएं जो बच्चियां जो है जाती थी जी, और वहां पर अपना हिजाब उतारती थी या उसको अपने बैग में रखती थी और क्लासरूम में जाती जी। लेकिन
जी। कुछ चार बच्चियां, जैसे 100 हैं तो चार बच्चियां एक क्लासरूम में चली गई, उनका विरोध हुआ और वहां से मामला ये आगे बढ़ गया जी। स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी संस्था हो जहां पर यूनिफॉर्म लागू होता है जी। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि यूनिफॉर्मिटी, एक समानता जी। समानता दिखाने के लिए कोई अमीर गरीब जाति भेद नहीं दिखे उसमें जी। इसलिए वहां पर स्कूलों में लगाया जाता है और बच्चों में कोई ऐसा ना है ऊंच नीच का भाव ना है, इसलिए बच्चे उसमें जाते हैं जी। ऐसे ही एक फैसला वो केरल के कुछ बच्चियों ने जी। जो स्कूल पुलिस कैडेट थी, उन्होंने सरकार से किया कि हमको पूरी बांह का एक शर्ट दिया जाए जी। और हिजाब दिया जाए जी। केरल सरकार ने उसको खारिज किया कि कोई किसी पुलिस में, किसी कैडेट में कोई ये जो यूनिफॉर्म है वही रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होगा, नहीं होगा। वहां पर कहीं किसी ने चर्चा नहीं की जी। इसको सिर्फ और सिर्फ मजहबी रंग दिया जा रहा है जी। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जज साहब ने जो आज फैसला दिया है वो सर आंखों पर जी। लेकिन सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले एक बहुत ही वीडियो वायरल हुआ था जी। एक किसी हाई कोर्ट का था, माननीय जज ने, एक आईएएस साहब आए थे उनके कोर्ट में जी। आईएएस साहब को लताड़ लगा रहे थे जज साहब कि आपको ट्रेनिंग में ये नहीं पता है कि यूनिफॉर्म पहन के किस तरीके से आया जाता है जी। आपने कोट क्यों नहीं पहना? क्या कोई भी वकील साहब अगर कोर्ट में केस लड़ने जाते हैं जी। दिलीप जी हैं बताएंगे जी, अभी जी। क्या ये वहां पर अंडरवियर या हाफ पैंट पहनकर केस लड़ सकते हैं? और उसकी भी बात छोड़िए, माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये काला वाला जो बड़ा वाला चोंगा पहनते हैं, अगर वो ना पहन के जाए, छोटा पहन के जाए, तो क्या ये केस लड़ सकते हैं जी? वहां यूनिफॉर्मिटी है जी। पुलिस में, मिलिट्री में, स्कूल में, कोर्ट में, डॉक्टर के यहाँ सब जगह यूनिफॉर्मिटी है। इसलिए जहां ये समानता है उन संस्थाओं में अनुशासन है और उस अनुशासन का पालन करना चाहिए। अगर ये जो नहीं कर रहा है वो अनुशासन को तोड़ रहा है, अपने बच्चों के अनुशासन को तोड़वा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अहमद रिजवी जी, आपने पूरी बात सुनी, मामला आपको पता ही है, हमेशा आप बड़ा सक्रिय रहती हैं, किस रूप में देखती हैं भाई? अगर जी बोलिए। मैं तो देखिए ये कहूंगी कि देखिए कर्नाटक में बीजेपी बहुत ज्यादा कमजोर हो रही थी। अच्छा। और बीजेपी ने आज तक कुछ करा तो है नहीं, इनको सिर्फ धर्म की अफीम चटाते हैं, गाय गोबर, तीर त्रिशूल, तलवार, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई पॉलिटिक्स ही करते नहीं है। अच्छा। आप एक बार बताइए कि ये मुद्दा जो है अभी क्यों निकल रहा है? गाय पे बात करना गलत है क्या? 47 से भारत मुसलमान नहीं करते क्या? 47 से मतलब ये कह रही, चलिए यूनिफॉर्म सिविल एक कोड है, चलिए आ रहा है, तो मेरा अपने बहन भाइयों से भी सवाल है कि अगर एक स्कूल में स्कर्ट है तो भाई हमें वहाँ पर पालन करना चाहिए, हमें स्कर्ट पहन के जाना चाहिए। जबरन तो आपसे नहीं कह रहे कि नहीं आप स्कर्ट जबरदस्ती आप आओ बुरखा ओढ़कर, तो यहाँ पर तो हमारे समाज को अवेयर होना चाहिए कि जहाँ पर कोई एक यूनिफॉर्म कोड रखा गया तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। हाँ, मुसलमानों को ये जो सारा चल रहा है, खुराफात चल रही है, कुछ आवारगी का नाम दे रहे हैं, कुछ और दूसरा दे रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से चमक रहे हैं, तो हमें इस दफा ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे स्कूल बनाए जहाँ पर हमारी बच्चियां सर कवर करके जा सके। अब कुछ लोग, अभी टाइम्स नौ पे मैं थी, वहां पर तो उन्होंने, नबी का जी ने तो उसको हिजाब जिहादी करार दे दिया। अरे अगर कोई बच्ची सर कवर कर रही है तो जिहाद कर रही है। मतलब आप भारत की बात नहीं करेंगे, आप ईरान पहुंच जाएंगे कि ईरान में ऐसा हो रहा है। ईरान में खाली एक गुट है जो कुर्दुग है। ईरान में भी मुस्लिम धर्म के लोग हैं भाई, ईरान में मुसलमान है, ईरान में किसने मना करा नहीं है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ईरान को नहीं मानता, ईरान वाला हमें नहीं मानता। से जरा पूछिए, पे बात करने से भटकने के लिए हम सीधे ईरान पहुंच जाएंगे, पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। अरे ये हमारा इंटरनल मामला है, हमें क्या मतलब दूसरा मुल्क क्या कर रहा है? हम निंदा करते हैं अगर ऐसा वहां पर हुआ, लेकिन ये हमारे मुल्क का अपना आंतरिक मामला है जिसको इतना बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि नहीं भाई के जाने को कह रही। अरे एक बात बताइए, अभी मोदी जी ने एक ट्रेन बनाई
वंदे मातरम करके बनाई, क्या उस ट्रेन को जिसके इतने खतरनाक एक्सीडेंट हुए, क्या कोई हिजाबन औरत चला रही थी जो अंधी हो गई थी और ट्रेन ठुक गई थी? अभी एक ब्रिज गिरा, क्या उसको किसी हिजाबी ने बनाया था? मतलब हिजाब को इस तरह दिखा रहे मानो मुसलमान अपना सर कवर करने को नहीं कह रहे, एटम बम बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये सारा एजेंडा है, मुद्दों से बिल्कुल भटकाया जा रहा है। ये मामला यहाँ पर गौरव जी जरा मोहतरमा से पूछ लीजिए कि इस्लाम में क्या यह आवश्यक है या नहीं है। बस अभी देखिए कि आप कर्नाटक में देखिए 17,000 बच्चियों ने एग्जाम नहीं दिया, उनकी जिम्मेदारी कौन कौन लेगा? वो कौन सी बेटियां हैं जिनको पटाने की और पढ़ाने की बात मोदी जी करते हैं? कौन सी बेटियां हैं वो? अगर बच्ची सर कवर कर रही, स्कार्फ लगा रही, एक तो इन लोगों में कंफ्यूजन है कि ये हिजाब को नामालूम क्या समझते हैं। हिजाब का मतलब होता है सर कवर करना, अबाये का मतलब होता है बॉडी कवर करना। करिए स्कूल में करने की जरूरत है, वहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि हम वहाँ पर कोई अलग चीज दिखाने जा रहे हैं? इन्होंने फौज की मिसाल दी, अरे फौज की मिसाल दी, पहले पूरा समझ कर आए। सिख रेजिडेंट होता है, सरदार जब फौज में जाता है पगड़ी उतार कर जाता है। आप भी देखिए स्कूलों में जाते हैं मंगलसूत्र लगा पहन कर जा रहे हैं। ठीक है तकी भाई, क्या देखते हैं भाई हमारी पार्टी कैसे रूप में देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के विभिन्न मुद्दों पे हिजाब डाला हुआ है जी, और जो मुद्दों को दबाया उस पर जो हिजाब उठाएं जी, हमसे पूछा जाता है प्रधानमंत्री के साथ विदेशी यात्रियों पे कौन गया था, उस पर हिजाब डाला, उसका जवाब नहीं देते जी। जब इनसे पूछा जाता है बताइए प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में हाउडी मोदी किया उससे देश को क्या फायदा हुआ, बीजेपी में हिजाब डाला हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी जो महंगाई पे हिजाब डाले हुए, बेरोजगारी पे हिजाब डाले हुए, किसानों के हत्याओं पे हिजाब डाले हुए, ऑक्सीजन के पीछे कितने लोग देश में मर गए कोरोना पे, उसमें जो हिजाब डाला वो हिजाब उठाए ना बीजेपी, जो खुद हिजाब डाले हुए है और ये मफलर डाले हिजाब डाले खुद बैठे हुए यहाँ पे, तो ये पहले अपना हिजाब उठाए जिनके दूसरे के हिजाब की बात करें पैसा पर। और दूसरी बात है कि हर आदमी को ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हर धर्म के अंदर ये उसकी अनुमति दी है कि अपने धर्म के अनुसार जो धर्म दूसरे के लिए परेशानी न बनना हो उसका अनुपालन कर सकता है। कोई महिला हिजाब पहने हैं तो दूसरे के लिए परेशानी क्यों बन रहा है? अमन इस बीच हिजाब पहने हुए हैं क्या, इनका चेहरा छुपा हुआ है क्या, आइडेंटिफिकेशन कम्प्रोमाइज है क्या? हिजाब हर मजहब के अंदर कुछ चीजों का मान्यता अलग अलग है। अब सिख धर्म में कृपा रखना उनकी मान्यता है, आपको क्या मान उसकी क्या मान्यता है? अब धर्म तो है नहीं जी। बुद्धिस्ट धर्म में जो है वो सर उठाना है उनके अंदर वो करते हैं, उससे उनकी मान्यता उनके हिसाब से आपसे क्या मतलब उसको? जैन धर्म में भी श्वेतांबर दिगंबर उनकी अपनी मान्यता है, उससे क्या मतलब आपको? भाई आप दूसरे के धर्म के अंदर इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? ये दूसरे का धर्म उसका अपना मैटर है, आप अपने धर्म में बात करिए, आप तिलक लगा के आए अच्छी बात है वेलकम है, मैं दाढ़ी रख के नहीं आया अच्छी बात है कोई बात नहीं। हर धर्म के अनुसार हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार मान्यता के अनुसार यहाँ रहने की आजादी है, देश का संविधान कहता है, संविधान से ऊपर सर्वोपरि तो ये नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये है कि संविधान को देश के संविधान को संविधान से खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, वो संवैधानिक तरीके से संविधान को खत्म कर रहे हैं, इस तरह से तरह के मुद्दे को उठा रहे हैं और देश के जो अहम मुद्दे हैं उन पे बात नहीं कर रहे हैं। आज की डेट के अंदर हमारा जो हमारे ऊपर जो विदेशी कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारी जीडीपी हमारे श्रीलंका से 10 गुना ज्यादा हमारा विदेशी कर्ज बढ़ गया है। अच्छा। और हम जो है हमारी जीडीपी क्रैश होने वाली आने वाले दो सालों में, हालात बहुत खराब होने वाले। मैं भी यही हूँ, आप भी यही है। अच्छा। देखेंगे जब पेट्रोल डीजल यहाँ 200 रुपए लीटर मिलेगा तो मैं पूछूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से, आपने देश की संपत्ति को बेच डाला, उस पर पर्दा डाले हुए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं आप? जो सारी संपत्ति अदानी अंबानी बताइए, क्यों अदानी अंबानी अमीर होते जा रहे हैं? जानकारी लोग गरीब होते जा रहे हैं देश के अंदर। तकी भाई जो जानकारी है हिजाब इस्लाम धर्म में अनिवार्य नहीं है, पर यहाँ पर अगर स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ पर इस्लाम धर्म के अंदर तो कहा गया तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म, मेरे लिए मेरा धर्म जी, बिल्कुल हिंदू इस्लाम धर्म तो बहुत सी चीजों का आजादी देता है। इस्लाम धर्म में हिजाब से औरतों के लिए नहीं मर्दों के लिए भी है। अच्छा, मर्दों के लिए पर्दापोशी है। अच्छा, मर्दों को भी इजाजत नहीं कि वो अपने आप को दिखाएं। अच्छा, तो इस्लाम धर्म के अंदर बहुत सारी चीजें बहुत गहराइयां हैं, उसको समझने के लिए एक घंटे की डिबेट में समझ नहीं पाएंगे उसको। अच्छा, ठीक है, मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ एक देश के अंदर जो देश की एकाग्रता को भंग करना है, देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसे ध्यान भटकाना है, बीजेपी इसकी आड़ में छुपना चाहती है। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी बराबर इनको बिल से निकाल के बाहर लेके आएगी। ठीक है, गरीबी क्यों बढ़ी देश के अंदर? पूरे देश में 56 करोड़ गरीब, 56 करोड़ गरीब देश मोदी जी के शासन के खिलाफ, 80 करोड़ लोगों को। दोबारा मौका दूंगा तो ये इसकी बात कर रहे हैं, खुद हिजाब में छुपे बैठे ठीक है, दूसरे के हिजाब की बात करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हो गया। दिलीप भाई, आप कानून विशेषज्ञ हैं और निश्चित रूप से जानकारी भी आपको है, कैसे देखते हैं इस फैसले को और क्या होना चाहिए बेहतर?
देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया उसके बाद मैं ये कहूँ कि क्या बेहतर होना चाहिए, ये बात कहीं से ना तो सामाजिक रूप से अच्छी है ना कानूनी रूप से अच्छी है, क्योंकि मैं कोर्ट के ऊपर नहीं जी। लेकिन ये जरूर है कि मैं कोर्ट के फैसले पर अपना व्यू रख सकता हूँ, मेरा अधिकार जी, है जी। और जो दो जजेस का फैसला आया है, जिस जजेस ने एक जज ने कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए उसको आगे बढ़ा दिया है और दूसरे जज ने उसको गलत मानते हुए वो जो बैन था वो वैकेट कर दिया। बैन को वैकेट करने के जो लॉजिक्स उन्होंने दिए हैं वो लॉजिक पूर्णतया सामाजिक है जी। ये जरूरी है कि कोर्ट की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब ना होने दे, सोशल प्रिंसिपल्स का ख्याल रखे जी। लेकिन अल्टीमेटली लॉ प्रिवेल करता है हर चीज, और जहां पर किसी बात को लेकर के लॉ है, जो फेवर में बातें कही जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हक दिया है कि हमें अपने धर्म को अपने तरीके से मानने की आजादी है, ये सही बात है, ऐसा लिखा है जी। हम अपने जीवन को कैसे जिएंगे ये हमारी पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी भी हमारा फंडामेंटल राइट है, ये भी सही बात है जी। लेकिन जी। इन दोनों चीजों के साथ एक कंडीशन लगी है, वो कंडीशन लगी है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की और पब्लिक ऑर्डर्स जी। अब अगर कोई पब्लिक ऑर्डर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इस बात को मना करता है कि आप ये नहीं कर सकते तो आप अपने फंडामेंटल राइट को अपना हक नहीं मान सकते जी। बिल्कुल, जो कर्नाटका का एजुकेशन एक्ट है आई थिंक 1980 या 1983 का जी, उसके एक सेक्शन में पर्टिकुलर सरकार को ये हक है कि वो ये डिसाइड करेगी कि स्कूलों का ड्रेस कोड क्या होगा जी। बिल्कुल, और स्कूलों का ही नहीं गौरव जी, स्कूलों का ही नहीं, हर चीज का एक ड्रेस कोड होता है और ड्रेस कोड उस जगह की एंटिटी को और उसकी डिग्निटी को एस्टेब्लिश करता जी। है उसको अगर आप अपनी पर्सनल चॉइस बता करके वॉयलेट करना चाहते हैं तो ना मैं इसको सामाजिक मानता हूं और ना मैं इसको कानून के आधार पर मानता हूं। स्कूलों में आज को इन बच्चियों ने कहा, और पहली बात तो इस बात को आप धर्म से या राजनीति से जोड़ करके देखिए मत जी। क्योंकि जिन बच्चियों ने हिजाब पहन के जाना शुरू किया जी, उनको भाजपा ने हिजाब पहनने के लिए नहीं कहा था जी। बिल्कुल, स्कूल में जब उनका विरोध शुरू हुआ तो वो भाजपा ने नहीं कहा था जी। बिल्कुल, कर्नाटका हाई कोर्ट जाने वाली वही बच्चियां थी जिनको हिजाब पहनने के लिए मना किया गया था, उनको भी भाजपा ने नहीं कहा था। और आज जो फैसला आया है वो फैसला भाजपा ने नहीं कराया, भाजपा कराती तो फिर अगेंस्ट करा देती जी। बिल्कुल, एक जज ने फेवर में दिया, एक ने अगेंस्ट में दिया है, और दोनों ने अपने अपने लॉजिक्स को लगाया जी। बिल्कुल, बिल्कुल, अपने अपनी थिंकिंग को लगाया। जज भी एक इंसान ही होता है और इंसान इंसान की तरह सोचता है। लेकिन मेरा यहाँ पर कहना यह है कि ये जो हिजाब पहनने का मामला है, इस्लाम में कहा गया है, मैं इसको मान्यता देता हूँ, मानता हूँ बच्चों को हिजाब पहनना चाहिए, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन वो पर्सनल चॉइस आप उस जगह पे नहीं लगा सकते जहां पर वो यूनिफॉर्मिटी की बाउंड्री में नहीं आता जी। बिल्कुल, जहां पर 100 लोग जी एक बात को मान रहे हैं तो वहां पर 10 लोग ये नहीं कह सकते कि ये मेरी पर्सनल लिबर्टी पर्सनल चॉइस है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा हम ये पहनकर यहाँ पर नहीं आएंगे। इस तरीके से तो अगर हर जगह जैसा कि अभी एग्जाम्पल में भी आया कि आज मैं कोर्ट जाऊं और कोर्ट में भी कोई मुस्लिम महिला वकालत करती हो और ये कह दे कि हम हिजाब पहन करके कोर्ट में आएंगे तो कोर्ट उसको अलाउ नहीं करे जी। बिल्कुल, कोर्ट कहेगा आप प्रॉपर ड्रेस में आइए तभी आप कोर्ट में एंट्री ले सकते हैं और कोर्ट में अपीयर होने के लिए वाकायदा हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बने हैं। उन रूल्स को कोई अपनी चॉइस के हिसाब से वायलेट नहीं कर सकता जी। बिल्कुल, लाइकवाइज इस देश की पुलिस है, आर्मी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं गवर्नमेंट के, या मैं ये कहता हूँ कि जो प्राइवेट जॉब्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वहां पर भी मुस्लिम महिलाएं काम करती हैं, वहां पर उनकी चॉइस नहीं चलती, कॉर्पोरेट का कल्चर है, वहां पर उनको हिसाब से जाना पड़ता है। जो महिलाएं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है जी, बिल्कुल, क्या वो इस्लाम की पालक नहीं है जी? बिल्कुल, लेकिन वहां तो हिजाब की बात नहीं आती है, वहां तो कोई ये चॉइस नहीं करता कि हिजाब पहन करके एक्टिंग करेंगे, यहाँ हिजाब पहन के डांस करेंगे, हिजाब पहन करके फिल्म में एक्टिंग करेंगे। और मैं पर्सनल चॉइस को मान्यता देता हूँ, लेकिन पर्सनल चॉइस सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर्स है, सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्मिटी है और सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है भाई, जिन जज महोदय ने इस बात को समाज से जोड़ करके देखा कि अगर उन मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो एक तबका एजुकेशन लेने से रह जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसी ही चिंता है तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन में हर धर्म को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से एजुकेशन चलाने की भी इजाजत दी गई है, जिसके अनुसार मुस्लिम समाज अपना मदरसा चलाता है। तो अगर उन बच्चियों को इस बात की सेल्टर लेनी है कि हमें हिजाब पहन के ही जाना है,
तो उनके लिए फिर वो स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुल जाने चाहिए जी, फिर वो मदरसे में जाके एजुकेशन ले ले, वहां का ड्रेस कोड ही यही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप पब्लिक से जुड़ना भी चाहते हैं और अपनी कंडीशंस पे जुड़ना चाहते हैं तो ये बात पूरी सोसाइटी को हैम्पर करे। ठीक है श्री भाई, ठीक है आमिर भाई, अपनी बात पूरी तक लेता हूँ। आमिर भाई बताइए। बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने चर्चा में शामिल किया। देखिए बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कि हालांकि डिबेट होना चाहिए कानून व्यवस्था पे, डिबेट होना चाहिए बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, लेकिन अफसोस के कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दे आड़े आते हैं। पहली बात तो हिजाब है क्या ये समझना पड़ेगा। हिजाब एक पर्दा है जी, और पर्दा हमारे यहाँ मर्द को भी है औरत को भी है जी। अब ये ज़रूर है कि आप देखिए अगर कोई आदमी हाफ पैंट पहन के या नेकर पहन के सड़क पे मर्द भी निकले तो उसे लोग अच्छा नहीं कहेंगे गौरव जी, उसको लोग अच्छी निगाहों से नहीं देखेंगे। यही मामला में हमारे यहाँ हिजाब का भी, हमारे यहाँ एक आभा ओढ़ी जाती है जी, चादर टाइप की होती है, उसको भी ओढ़ लेते हैं, वो भी हिजाब है। और हिजाब चेहरा ढकना ही नहीं है, एक बात ये भी समझिए, स्कार्फ भी एक हिजाब है। और जहाँ तक स्कूल का मामला है तो बिल्कुल ठीक बात हमारी अमन रिजवी ने भी कही है कि स्कूल का जो कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा जी, बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक हिजाब का मामला, तो एक बात बड़ी स्पष्ट एक समझ लीजिए कि हिजाब का मतलब ये अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने आप को पर्दे में रखना। तमाम हिंदू बच्चियाँ जब शादीशुदा हो जाती हैं उसके बाद भी वो अगर कोई एग्जाम देने जाती हैं तो देखिए वो घूंघट उनका होता है। अब अंदर जाके अगर वो घूंघट ओपन कर लें वो एक अलग बात है, लेकिन स्कूल तक तो वो घूंघट में जाती हैं। ये मैंने तमाम जगह देखा है कि शादी के बाद जो लड़कियां जैसे ग्रेजुएशन करना चाह रही हैं, LLB करना चाह रही हैं, और जाहिर सी बात है कि वो जाएंगी तो सबके साथ बैठेंगी, तो उनका घूंघट पड़ा होता है और घूंघट में अपना कापियां भी लिखती हैं। मैंने खुद देखा है, कोई सुनी सुनाई बात पर मैं अमल नहीं करता, हम प्रैक्टिकल में ही विश्वास रखते हैं। तो कुल मिला के अगर हिजाब कहीं ऊपर सारा मसला है, और हम अश्वनी जी से ये पूछना चाहते हैं कि हिजाब में आपको क्या आपत्ति है जी? भाई आप हर वो मामला में आपत्ति जताते हैं या उसको विश्व स्तर पर उठाने की कोशिश करते हैं कि जिसमें हिंदू मुस्लिम आसानी से किया जा सके, आप वोटों का ध्रुवीकरण कर सके। नहीं नहीं बात बीजेपी की नहीं, देखिए दो जजों की राय आई है, एक हेमंत गुप्ता ने राय पेश करी है, जो हेमंत नहीं वो सुधांशु धोलिया है, हेमंत गुप्ता है, हेमंत गुप्ता ने अपनी राय पेश की है, सुधांशु धोलिया जी ने अपनी राय पेश की है, लेकिन कोई फैसला नहीं दिया गौरव जी, फैसला अभी और आगे जाना है। लेकिन हाँ, लेकिन अब मसला यहाँ पर आकर के रुकता है कि स्कूल का केवल, देखिए आम मसला हिजाब पर है भी नहीं, मसला सिर्फ कॉलेजेस पर है या वकालत पर है या डॉक्टरी पर है। अब कोई डॉक्टर नहीं अगर कोट नहीं पहनेगी या आला नहीं डालेगी उसका कोई मतलब नहीं है, अगर वो सर छुपाती है तो इसमें क्या बुराई की बात है। मैं अश्वनी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या सर खोल करके या कम कपड़े पहनना ही में हमारी संस्कृति है? ये हमें समझा दें जरा सी, अगर कोई स्कार्फ हमने सर ढक लिया है या हमने नकाब ओढ़ लिए या हमने अबा डाल लिए या चादर ओढ़ लिए, संस्कृति इसमें क्या परेशानी है? फिल्म लागू नहीं कराते हैं, क्या नहीं लागू कराते हैं फिल्म इंडस्ट्री? अरे तो लागू नहीं होता क्या? नहीं सुन लीजिए, मुसलमान नहीं है, अब हम सुन लिए गौरव जी, हमारे यहाँ धर्म में जबर है ही नहीं, सुनते ही नहीं। कुरान कह रहा लायक रहा फिर दीन के, धर्म में जबर नहीं है, जब दीन में जबर नहीं है तो हिजाब का तो कोई मसला ही नहीं गौरव जी। अच्छा, हिजाब अपनी स्वेच्छा से आप पहने या अन्यथा उतार के जल्दी आग में फेंक दें, इसका यह सिर्फ मेरी स्वेच्छा पर है, हमारे ऊपर है। हमारी औरत, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ हिजाब पहनती है कि नहीं पहनती है मेरा मामला है। जहाँ तक स्कूल का मामला है तो इसमें हम गौरव जी, तो दिलीप भाई सहमत नहीं है आप? दिलीप भाई सहमत नहीं है क्या? दिलीप जी जो बात है बड़ी साफ सी बात है, दिलीप भाई ने कानूनी पॉइंट से बात करी है, अब वो कानून से अलग जा भी नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है गौरव जी कि आप डिबेटर सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे क्या रहेंगी, इससे कोई मसला हल नहीं होने वाला गौरव जी। हिजाब पे क्या का फैसला आएगा, क्या नहीं आएगा, या क्या फैसला हो रहा है, कुल मिला करके एक कानून का अदालतों का भी संघीकरण किया जा रहा है, ये मुझे अफसोस है। अरे एक जन ने तो आपके अच्छी बात कही है तो उसको तो बोल दीजिए। नहीं, हमने कहे दिलीप भाई के, हमने दिलीप जी की बात का हमने समर्थन किया है कि अगर स्कूल के कोई कानून है ऐसा तो उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हर जगह जरूरी नहीं कि हर जगह हम जिला में जवाब लेता हूँ। पवन भाई पूरा आपने सुना का मूल्यांकन करके क्या यहाँ पर जो समस्या आ रही है, कोई कह रहा राजनीतिक है, एमएन रिजवी का कहना है कि कर्नाटक में अब चूंकि अब चुनाव आने वाले हैं और वहाँ पर गतिविधि इस तरह चला रहे हैं, दिलीप भाई ने अपनी कानूनी व्यवस्था बताई है और आमिर भाई का अपनी राय है, कैसे देखते हैं गौरव जी? जी हमारी नज़र में जी ये जो आपका डिबेट है जी ये एक ही शब्द से इसको पूर्ण कर देंगे, अज्ञानता, ज्ञान की कमी जी। वो हमारे जितने भी भाई लोग बैठे हैं जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं जी, या एमन रिजवी साहिबा जी जो है समाज सेविका जी हैं जी।
साबरी साहब हमारे जी। कहने का तात्पर्य ये है जी। कि धर्म की बातें होती हैं, समझिएगा सर जी, धर्म की बातें होती हैं और धर्म की जानकारी जी पढ़ लेंगे उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी, पढ़ लेंगे उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज हम लोग के बीच में आपको लेकर के 7 लोग बैठे हुए हैं, अभी मुस्लिम भाई हमारे जितने बैठे हैं जी, अभी हम पूछ ले कुरान कितने लोग जानते हैं, कितने लोग पालन करते हैं, और हिंदू में हमको लेकर के श्रीमद् भगवद गीता कितने लोग पढ़े हैं और कितने लोग पालन करते हैं, समझिएगा सभी की नजरें झुक जाएंगी। हम किसी पर्सनल एक की बात नहीं करेंगे सर जी, जी। आप जो अच्छाइयां है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जी। कहा गया है कुरान में ही कहा गया, हमने हिंदी व्याकरण हमने पढ़ा थोड़ा सा, 4-6 पन्ने हमने पढ़े हैं, तो उसमें कहा गया कि अगर आप भोजन करने बैठते हैं जी तो आपके आस पड़ोस में अगर कोई भूखा प्यासा है तो आपका भोजन करना व्यर्थ है जी। यही चीज हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, लेकिन उसका पालन आप ही साथ में भी 1 घंटे बाद अभी 9 बजे अभी 10:90 चौराहे जाइएगा जी, जो हिजाब की बातें हो रही हैं आप देखेंगे खुलेआम चल रहे हैं जी, खुलेआम नाच हो रहा है जी, उस पे कोई मतलब नहीं है। आप स्कूल में विद्यालय में किसी भी विद्यालय में देखिए अदालत का फैसला सर्वमान्य है, वो चाहे सैयद मोहम्मद जगी के बातों से तुलना खाए हम उसका स्वागत करते हैं, या प्रवक्ता भाजपा की बातों से तुलना खाए हम उसका स्वागत करते हैं, ये अदालत का फैसला है। लेकिन हम आपको अपने परिवार में जी, अपने जो बच्चों को परवरिश दे रहे हैं जी, इसमें बहुत आवश्यक है जी। आप देखिए स्मोकिंग एरिया बनाए हैं, आप ऑफिशियल एरिया में पहुंचिए, हम लोग मीडिया सेंटर में हम लोग निकलते हैं देखते हैं साइड साइड में ड्रिंक करते हैं, दिन में ही जो है बियर पीते हैं, कुछ भी हो आप घर में परवरिश दीजिए। आप विद्यालय में जब एडमिशन होता है, किसी भी विद्यालय में एडमिशन होता है, तो वहां की कंडीशन से हम बन जाते हैं, हम अपने बच्चों को उसी कंडीशन से बात देते हैं। वहां पे नियम कानून नहीं लगना चाहिए, वहां पे नियम कानून केवल विद्यालय का लगना चाहिए, समझिएगा। हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य होता है कि जो बीजेपी चाहती है जी, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसी पे हमारे भाई आम आदमी पार्टी, उसी में कांग्रेस, उसी में समाजवादी पार्टी, उसी में बसपा वही करते हैं जी, वही करते हैं और कुछ नहीं अलग कर रहे हैं जी। इसका कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है जी। भाई आप कॉलेज में है, कॉलेज जो अदालत फैसला देगी उस पे हम एक्सेप्ट करेंगे, सभी लोग कहीं हम स्वागत करेंगे। भाई हिजाब पहन करके या घूंघट पहन करके कोई विद्यालय स्कूल नहीं जाता है जी। हाँ, उसके लिए मंदिर बना हुआ है, हमारे यहाँ मंदिर बना हुआ है, आपके यहाँ मस्जिद बना हुआ है। देखिए हिजाब को लेकर अंडरस्टैंडिंग कभी सभी लोगों की काफी गलत नहीं है। नहीं नहीं हिजाब आप सुनिए साहब, सैयद साहब सुनिए, हिजाब को लेकर गलत है, सुनिए हिजाब का मतलब पर्दा है, आप उसको लाइट दे रहे हैं। आप बताइए आपके इस्लाम में कुछ लोगों के लिए, सुनिए आप पवन मिश्रा का, तो सिर्फ सुनिए, कुछ महिलाओं के लिए हिजाब बहुत जरूरी है, आपकी बात हिजाब के बगैर बाहर निकलेंगे नहीं, हमारी किन महिलाओं के लिए हिजाब निकालना, किन महिलाओं के लिए उनको किन महिलाओं के लिए किन महिलाओं के लिए सैयद साहब, कुछ महिलाओं के सर से हिजाब उतारना उनको अपमानित करने जैसा है, उनके लिए सम्मान हिजाब हिजाब उतार के उनका अपमान कर रहे हैं। ये मेरी पार्टी का वर्जन नहीं है, ये उनका वर्जन है, तो जिसको ये मेरी पार्टी का वर्जन कैसे हो गया, ये इनका इनसे पूछे जी क्या हिजाब उतारना आपके लिए सम्मान नहीं है, आपके पार्टी इनसे पूछे ना, ये समाज से इसका पूछिए, मेरी पार्टी की बात कर रही है, इनसे पूछिए आप, अरे आप इंटरेस्टिंग नहीं हिजाब की, आपको हिजाब के बारे में मालूम नहीं है, आप बोल रहे हैं नहीं, आप मतलब आपको आपने जो बयान दिए वो दिखाता है कि आपको हिजाब के बारे में नहीं मालूम है। मुझे लोगों के लिए हिजाब बता दीजिए कि आपके इस्लाम में क्या है, आपके इस्लाम में क्या है, आप मेरी बात समझिएगा, जो देखिए आप कुछ भी इस्लाम में पर्दा पोशी है, आप मुझे इस्लाम में पर्दा है, आप मुझे लेकिन स्वतंत्रता भी है, आप एज ए प्रवक्ता मेरी बात समझिएगा, आप एज ए पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, आप जो ये प्रकरण पे जिसपे आप चर्चा कर रहे हैं उसमें आप पार्टी प्रवक्ता के रूप में अपना बयान दे रहे हैं, पार्टी प्रवक्ता के रूप में बयान दे रहा हूँ मैं, हाँ, कह रहा हूँ मैं अहमद रिजी जी मैडम बैठी हुई है, इसे पूछे क्या इनका हिजाब लेना क्या इनका अपमान नहीं है, अहमद जी बताइए आप, अगर आप ये कहां पे लिखा हुआ है, ये कहां पे लिखा हुआ है, अरे कहां पे लिखा है, इंडस्ट्री साहब पूछ रहे हैं, पवन जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट पवन जी सुन लीजिए, बोलिए, जरूरी नहीं कि हर चीज लिखी हो, कुछ चीजें ऐसी होती है हमारी तय, अरे भाई लेट हट साइड ना, उसमें अहमद भाई ने हिजाब पूछ लिए, बड़े बड़े हम ये आप बोलिए कि आपका हिजाब सब बोलेंगे, मेरी बात सुनिए दुनिया को, अरे आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, महिला को बोलने बोल रहे हैं, रुके महिला को बोलने दीजिए, ठीक है ठीक है, महिला भी बोलेंगे, अहमद जी बोलेंगे, ये हिजाब उतारना आपके लिए पाने नहीं है, बोलिए आप जी, ठीक है, किस आपके सर से है, आप ये बताइए किस धर्म में लिखा हुआ है, हम मेरी बात, अरे धर्म में भी लिखा हुआ है, आप बताइए ना सर, आप बताइए मेरे भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, हमने भी हर चीज अरे होती है,
उनको जाना है कहीं पे, बोलिए अमन जी, बोलिए बोलिए अमन जी, बोलिए उनको कहीं जाना है, समय कम है, बोलिए जी। आवाज नहीं आ रही अमन जी की, आवाज बढ़ाइए। लिखा होता है हैंडल विद केयर, इस चीज को एहतियात से इस्तेमाल करिए। आपने दौड़ वाली ट्रॉफी देखी होगी जो ऐसी खुली पड़ी रहती है जाल में, जिसे मक्खियां बिन बिनाती रहती हैं। क्या आपने महंगी कोई चॉकलेट देखी जो रैपर के अंदर ना हो, ऐसी खुली पड़ी हुई हो? जो चीज कीमती होती है उसको छुपा के नहीं रखा जाता है। और एक बात बताइए, जितने भी हेयर स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं सूरज की रोशनी से अपने बालों को बताएंगे। पढ़ती नहीं है क्या मुसलमान डॉक्टर नहीं होती जो अबाय में सर कवर करके होती है? क्या मेरी फैमिली ने कभी मुझे फाउंडेशन लगाई? मैं नहीं बोलती, मैं खुलकर बोलती हूँ, बिंदास होकर बोलती हूँ, सर कवर कर बोलती हूँ। किस मुद्दे पे मैं बात नहीं करती हूँ? क्या मुझे समाज इज्जत नहीं देता है? मेरे मुसलमान समाज से ज्यादा मुझे मेरा नॉन मुस्लिम समाज इज्जत देता है। ये पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया है सिर्फ कि आप गमछा लगाओ, तिलकधारी बन जाओ और तलवारें लेके लड़का मुस्लिम घूमना है और मैं पंडित हूँ। ये लड़ाई ये नहीं है। भारत की संस्कृति में सेंध लगाई जा रही है कि खाली अब एक बिल्कुल ऐसा बना दिया गया कि इस्लाम के विरोध काम करा जा रहा है 6 साल से ऊपर, हर चीज में बस इस्लाम को टारगेट। 6 साल पहले मुसलमान नहीं रहते थे? मेरा सवाल फिर वहीं पर आ गया है। क्या पहले गुरखा नहीं होती थी? और क्या पहले इस्लाम में बच्चियां तालीम हासिल नहीं करती थी? मैं फिर अपने भाइयों को कठहरे में खड़ा करूंगी, अपने समाज को कठहरे में खड़ा करूंगी। आपको कोई पता है अगर कहीं रेस कोड है तो वहाँ पर जो स्कूल में व्यवहार उपजा है होता है नहीं होता है वहाँ भेज दीजिए। इस इशू को इतना मत बनाइए, जिहाद बना दिया है कि हिजाब जिहाद, हिजाब जिहाद, हिजाब जिहाद चल रहा है। ठीक है ठीक है एम एन जी, एम एन जी 30 सेकंड 30 सेकंड बोलिए बोलिए। एम एन जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सिंपल जवाब दीजिए। क्या आपको अगर हिजाब उतारा जाए आप बानित महसूस करेंगे नहीं महसूस करेंगे? आप जी क्या महसूस करेंगे? अरे ये आप बानित महसूस करेंगे नहीं करेंगे? यहाँ पर किसी अपमान से क्या मतलब है? सुने नहीं उसको बोले स्कूल का व्यवहार है, हिजाब लफ्ज नहीं है लेकिन इस्लाम में जुब्बा लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि अपनी माँ को, अपनी बेटियों को जब बाहर लेकर जाओ तो उनको एक ऐसी चादर से कवर करा दो ताकि उनके जो बॉडी का खदोखान ना पता चले। जाहिर सी बात है अगर आप नंगे बुच्चे जाएंगे, तंग कपड़े पहनेंगे तो मर्द की नजर पे आप नहीं लगा सकते पेड़, वो आपको देखेगा वहीं से खराबियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो फिर क्यों आप उन चीजों को खत्म करेंगे? तो रूल है। अब आप बताइए जितने भी मेरे गांव है, इंटीरियर गांव है, वहां पर आप बताइए क्या आप किसी मेरी बेटी का नाम जानते हैं? बट उसकी विष्णु की बीवी थी, विष्णु की बेटी है, विष्णु की लुगाई है, विष्णु की माँ है, वो सारी जिंदगी विष्णु की माँ बेटी बीवी बनकर मर जाती है, नाम ही पता नहीं चलता क्योंकि वो घूंघट में रहती है। सिर्फ मुसलमान अगर ओढ़े तो हिजाब बनाकर आप उसको टारगेट करें? क्या मेरी नॉन मुस्लिम 80% मेरी नॉन मुस्लिम बहने क्या घूंघट नहीं लेती है गाँवों में? चलिए मेरे साथ, कौन से गाँव में चलेंगे आप? राजस्थान चलिए, आप उत्तर प्रदेश के गाँवों में जाइए जहाँ लंबा लंबा घूंघट अपने पति तक से लेती है वो, तो वहां पर तो भारत में स्कूल जाती है क्या? बनाना है इस्लामिक कोड जाती है करके वायरस छोड़ दिया गया ना भारत के अंदर, स्कूल जाती है इस्लामिक कोड मानसिकता बताती है कि आप हिजाब के बारे में कुछ नहीं जानते, आप गलत प्रचार कर रहे हैं हिजाब के बारे में। जो दो भी विशेषक बैठे हुए यहाँ पे, अच्छा वरिष्ठ पत्रकार साहब, हिजाब का मतलब है पर्दा, हिजाब का मतलब है
हिजाब औरत का सम्मान है अकेले आप नहीं बोलेंगे। असली भाई जवाब दीजिए, अभी आपको बहुत मेहनत करना है। तकी भाई बोलिए, अभी बहुत मेहनत करना है। असली भाई बोलिए, ले लाइए अभी से भाई, को प्लीज कर लेंगे। तकी भाई अब आपको मौका दूंगा, आपसे बोल कर मेहनत करनी है। तकी भाई अभी जवाब लूंगा आपका। असली भाई अपनी बात पूरी करिए, शाही साहब अपनी बात पूरी करिए। बोलिए शाही साहब, बोलिए शाही साहब अपनी बात पूरी करिए। शाही जी अपनी बात पूरी करिए। शाही जी संपर्क टूट गया क्या? शाही जी, जी अपनी बात पूरी करिए जी। शाही जी आपको मेरी आवाज आ रही है जी? शाही जी अपनी बात पूरी करिए। शायद शाही जी संपर्क टूट गया है। पवन जी बोलिए। हम यही कहना चाह रहे हैं, देखिए हम सभी को सभी की बातें मान रहे हैं, लेकिन ये है कि जब विद्यालय में आपको शिक्षा लेने जाना तो वहाँ शिक्षा ग्रहण करिए, जो विद्यालय के कंडीशन है उस पर आप होंगे। आज आप मांग रहे हैं हिजाब वहाँ पे, कल वो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कहेंगे कि भाई हमको वहाँ घूंघट में भेजना है अपने लोगों को, बात समझिएगा। फिर वो केवल वही हो रहा है, आप हिजाब का बहाना लेकर के द्वेष नहीं फैला सकते हैं, समझिएगा। आप जो है खिलाड़ियों को नहीं रोक रहे हैं, खिलाड़ी वहां पे जो है घूम रहे हैं, उनको आप रोक लगाइए, हिजाब पहनाइए, आप उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं ध्यान दे रहे हैं क्या? आप उनको, जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम क्लास के लोग हैं, उन्हीं के ऊपर आपको हथौड़ा चलाना है? नहीं, आप फिर बोलेंगे, रुकिए, आप उन्हीं के ऊपर हथौड़ा चलाएंगे? आप गरीबों के ऊपर अत्याचार करें, उन्हीं के ऊपर सारी राजनीति करनी है? आप बड़े लोगों के ऊपर राजनीति करिए, आप हिजाब लाइए, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर लागू कराइए। आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई हिजाब पहनना चाहता है तो उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ विद्यालय हो चाहे जज हो चाहे जहां वो जा सकता है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सरदार अगर पगड़ी लगा के जा रहे हैं उसको फ्रीडम नहीं दी है? ये है हमारे हमारे फंडामेंटल राइट्स है। सरदार की जब पगड़ी लगा के जा सकता है तो हम इसका पहन के जा सकते हैं? आप जो नहीं जा रहा जाए, दो लोग जा रहे हैं। देखिए सभी कौमों की, एक मिनट पवन जी एक मिनट, सारी कौमों की अपनी संस्कृति होती है जी, बिल्कुल सब तहजीब होती है, और हमारे देश में तमाम तरीके के लोग, तमाम कौमें रहती है, उनकी अपनी संस्कृति है। जिस तरीके से बार बार हमारे तकी भाई सरदार जी का एक प्रकरण लग रहे हैं, तो बिल्कुल साफ सी बात है कि सरदार जी पगड़ी अगर पार्लियामेंट में अगर हम टोपी लगा के चले जाए तो मना कैसे हो सकता है, या सरदार जी पगड़ी उतार के जाए ये नहीं हो सकता है। कोई भी सरदार बच्चा पगड़ी जो लगाता है तो क्या स्कूल नहीं जाता है? अब उससे ये कहा जाए पगड़ी उतार गया तो वो तो नहीं उतारेगा। तो जब जाहिर सी बात है संविधान की धारा 30 और 31 की जो हमें स्वतंत्रता देती है कि हम अपने अपने हिसाब से करें, लेकिन अब ये जबरिया इसको इशू बना दिया जाए, इसको हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसको ध्रुवीकरण के नाम पर इस्तेमाल किया जाए, गौरव जी ये तो गलत बात है। कोई हिजाब का मसला ही नहीं है। दुनिया जी का आप कमेंट पढ़िए, उन्होंने कमेंट क्या किया है? उन्होंने कहा बाय आस्किंग द गर्ल टू टेक ऑफ देयर हिजाब before they enter the school gate is the first invasion on their privacy, then it's an attack on their dignity, and then ultimately it is a denial of to them to secular education. Justice Dulia साहब ने आज स्टेटमेंट दिया इसके अंदर। ठीक है दिलीप भाई के साथ हूँ। ठीक है दिलीप भाई आपको मेरी आवाज आ रही होगी। दिलीप जी भाई यहाँ पर चर्चा दूसरी थी और चर्चा यहाँ पर राजनीतिक हो गई। दिलीप जी आपको मेरी आवाज आ रही है? दिलीप जी दिलीप जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। बोलिए तकी भाई आप बोलिए। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात है, चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके पेश किया जा रहा है जी। मैं कह रहा हूँ स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ये सही बात है, और यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी का धर्म किसी का रिलीजन की सेक्ट कहता है
कि उसको हिजाब पहनना है या उसको पगड़ी बनाना है या उसको तिलक लगा के जाना है, तो उसको आप रोक नहीं सकते। ये उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, उससे अगर कोई परेशानी नहीं हो रही तो उसको अलाउ करना चाहिए। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? कॉन्फ्लिक्ट हम अच्छी एजुकेशन पे बात करें ना, हम स्कूलों की हालत पे बात करें कि दिन ब दिन स्कूलों की हालत गिरती जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश में इतनी भयंकर बारिश हुई है और मैं आपके चैनल के जरिए एजुकेशन मिनिस्टर के साथ संदेश देना चाहता हूँ कि इतनी भयंकर जो बारिश हुई उसके अंदर जब स्कूल खोले तो जरा स्कूलों की हालत चेक कर लें, क्योंकि वहाँ पे जो है वो स्लेबों में फ्रैक्चर है, वहाँ पे दीवारें टूटी हुई है और वहाँ पे पानी भर जाने से बिच्छू सांप आ सकते हैं। तो पहले स्कूल खोलने से पहले स्कूलों को चेक कर लें और हम सब मिलके अच्छे एजुकेशन की बात करें, अपने समाज का बौद्धिक स्तर बढ़ाएं और देश को आगे लेके जाएं। इन सब बातों में कोई फंसने की वाली बात नहीं है। आप बात अभी ईरान के, ईरान में आर्मी है, वो औरतें जो हिजाब पहनती पूरी आर्मी है वहाँ पे, औरतें हवाई जहाज, औरतें हिजाब पहने क्या काम नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। तो क्या जरूरत है अगर कोई किसी को लग रहा है कि हमारा रिलीजन है हमें इसे करना चाहिए, लेट देम डू इट, क्या परेशानी वाली बात है? हम दोनों के साथ है, जो हिजाब नहीं पहनना चाहता है उसके साथ भी है, उसका उसका अपना राइट है कि वो नहीं पहनना चाहता, जबरदस्ती नहीं पहना सकते उसको हम। अच्छा, लेकिन जो दो चार लोग पहन रहे हैं उनसे जबरदस्ती उतार भी नहीं सकते हैं। स्कूल में पहना दोनों चीजों का आपका क्या देखिए, स्कूल में पहना गौरव जी, दोनों ही हालात में कयामत है जिंदगी। सुनिए शेर बड़ा अच्छा सुना रहा हूँ आपको, दोनों ही हालात में कयामत है जिंदगी, एहसास कमतरी हुआ एहसास बरतरी। हमको चीजों को बैलेंस करके लेके चलना है, एक्सट्रीमिस्ट ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर सोसाइटी। हमें राजनीति कैसे बढ़ेगी दोनों के साथ? अगर कोई हिंदू भाई, हिंदू हमारा दोस्त हमारा भाई चुटिया रख के स्कूल जा रहा है तो मैं उसके साथ हूँ, उसको जाना चाहिए। अगर वो तिलक लगा के जा रहा है तो मैं उसके साथ हूँ, उसको जाना चाहिए। अगर वो जैन समुदाय का तो स्कूल में कोर्ट नहीं होना चाहिए? नहीं, कोर्ट तो अलग बात है, कोर्ट ड्रेस है, ड्रेस अलग है। वो यूनिफॉर्म पहने क्या हिजाब में पूरी ड्रेस छुपी जा रही है क्या? क्या पगड़ी बनाने से पहनने से ड्रेस छुपी जा रही है क्या? क्या तिलक लगाने से, तिलक लगाए हुए बैठे हुए हैं क्या ड्रेस छुपी जा रही है क्या? तो ये सब बेकार के मुद्दे, ये सब बेकार की मुद्दे। हमें अच्छी एजुकेशन की बात करनी चाहिए। इस वक्त हम बात करते कि क्लासरूम कैसे अच्छे बनेंगे, कैसे टीचरों की ट्रेनिंग अच्छी होगी, कैसे बच्चों का बौद्धिक स्तर बढ़ाएंगे, तो ये सकारात्मक बहस होती। हम अपना देश का महत्वपूर्ण समय, और 200 मुल्क और भी हमारे साथ, हम उनसे कम्पीट कर रहे हैं, जापान से कम्पीट कर रहे हैं, हम इंग्लैंड से कम्पीट कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से कम्पीट कर रहे हैं, वहाँ की एजुकेशन दुनिया की सबसे एजुकेशन है, वहाँ बच्चों के मिड डे मील में कितना पैसा खर्चा किया जाता है। दिल्ली की सबसे बढ़िया है सर, दिल्ली की तो अच्छी है ही भाई, देश में बढ़िया होगा बिल्कुल, हमारे राज्य में नहीं, हम नहीं हमारे राज्य में नहीं, देखिए हम तो एक मॉडल पेश कर रहे हैं, हम कह रहे योगी योगी जी उसको कॉपी कर ले, कोई उसको मान ले। ये तो देखिए, ये तो परिस्थितियां बता रही है आज तक, बीजेपी ने बहुत हमारे सीबीआई ईडी डाल दी लेकिन वो साबित नहीं कर पाए। अच्छा, तो फिलहाल तो ये लगता है कि हम ईमानदार हैं जब तक गलत साबित ना हो, हालांकि बीजेपी पूरी जोर में लगी हुई है ये गलत साबित करने के लिए हमें, और अपने जैसे साबित करनी चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही है फिलहाल। तो हम जब अपने देश से प्रेम करते हैं, देशवासियों से प्रेम करते हैं, चाहे किसी धर्म के किसी रिलीजन के हो, और कोई भी बयान देने से पहले हमें उसकी इमोशनल डेप्थ को समझना चाहिए। अच्छा, कि उसके अंदर गहराई कितनी जी। अगर हिंदू धर्म को समझना है तो उसकी डेप्थ को समझिए आप, कि उसकी गहराई कितनी है, वो किस तरह से उस चीज से जुड़ा हुआ है। ऐसे बयान दे देना दो मिनट के अंदर आके कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बयान कौन दिया भाई? इसका मतलब आप अपने देश को अच्छे से समझ नहीं पा रहे। हमारे यहाँ आदिवासी है, बहुत सारी परंपराएं आदिवासियों की आए, हमारे यहाँ सब मिला करके सर 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी के जो वोट्स हैं कैसे किया जाए, कम किया जाए। अच्छा, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी राजनीति है सर, समझेगा गौरव अच्छा, जी बहुत बड़ी राजनीति, ऊपर से खेला जा रहा है जी। ये हमारे अश्विनी जी बैठे हुए हैं, बहुत ऊपर से खेला जा रहा है। अब ये कहां से भी 2-3% वोट तो कम हो ही गया फिलहाल, अब किसी के दुख में नहीं बोलना चाहिए, 2-3% वोट तो कम ही कर लिया, कवर कर लिया, जितना तो वो लोग नहीं रोए उससे ज्यादा भाजपा ही रोने में आ गए हैं। अब बचा कुचा जो आम आदमी पार्टी को भी लगा दिए हैं कि आप आ जाओ उनके बचाव में, हिजाब का मुद्दा है उसको उठा लीजिए आप, 1-2% वोट तो उधर से ले आइए। मेरी बात को समझिएगा सर, एजुकेशन सिस्टम में फिर आप बात नहीं समझे, मैं हिजाब के फेवर में अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अपने संविधान का सम्मान कर रहा हूँ, संविधान ने जो फ्रीडम कानून रिलीजियस न्यायालय कहेगा उसका पालन कर रहा हूँ, कहे नहीं आप सर वहाँ जो है कोई भी महिला अभिनेत्री जो है आंदोलन कर रहे हैं, कितनी महिला इसका तो सब भाजपा ही करो
करोड़ संघीकरण हो गया था, लेकिन अफसोस है कि आप अदालतों का भी संघीकरण होने लगा है, ये बहुत अफसोस की बात है। बिल्कुल सही कह रहे आमिर भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं थोड़ा सा मेहनत और करिए इनके भैया के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, कि जो मुस्लिम की जो है महिलाएं हैं वो जो खेल मंत्रालय में है, खेल खेल से है, डिपार्टमेंट से है, और एक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री में, उनके लिए क्यों नहीं कर रहे हैं आप हिजाब लागू कर रहे हैं? गलत तरफ जा रहे हैं, विद्यालय में शिक्षा मिलती है, विद्यालय में शिक्षा मिलती है। अरे अरे इतनी आपत्ति क्यों है? मुझे आपत्ति नहीं, विद्यालय में आपत्ति है, विद्यालय में ना हिजाब होगा ना ही इनका घूंघट होगा। आप सुनिए, वहाँ पे यहाँ पर होगा, लखनऊ में लामानटियर स्कूल है और बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, क्या मुस्लिम लड़कियां वहाँ नहीं पढ़ती? आप बताइए, पढ़ते हैं बिल्कुल, वहाँ तो ये टेंशन नहीं, गई बिल्कुल सही, केरला में चुनाव को लेकर, कर्नाटक में सॉरी चुनाव को लेकर के ये चुनाव है, मान लिया जाए ये भारतीय जनता पार्टी का ध्रुवीकरण करने की राजनीति है। कर्नाटक के बारे में बता दूं, इस सब एबीवीपी के छात्रों ने हंगामा मचाया था वहां पे, उन्होंने इसको प्रोजेक्ट किया था, वो हट उठाया गया था, ऐसा कोई कृत्रिम रूप से बनाया गया एक फंड है, मामला है आर्टिफिशियली क्रिएटेड, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, षड्यंत्र है कुल मिलाकर के, लाल न्यायालय का इसको हिंदी में कहते हैं, होना चाहिए सुनियोजित षड्यंत्र, ये वो है। ठीक है ठीक है, बाकी हमारे यहाँ तो ये लकुम दीनुकुम वलीदीन, तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, मेरा मजहब मेरे साथ, मैं थोप नहीं सकता। सबसे बड़ा मजहब है वो है इंसानियत, और इंसान के साथ चलना है, और निश्चित रूप से यहाँ पर राजनीतिक मुद्दे हुए, जिस तरह से धार्मिक मुद्दे शामिल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि हमको उस चीज से बचना है और ऐसे बयानबाजी नहीं करनी है जिससे कि हमारे देश का जो सामाजिक सौहार्द खराब हो। आप सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने देखा कि चर्चा का विषय यहाँ पर यह था कि जो हिजाब पर सुप्रीम फैसला आया है, दो जजों की अलग अलग राय है, कहीं ना कहीं जो ये मामला है, इस मामले को राजनीतिक बताया जा रहा है कि राजनीतिक मामला है, और ये मामला हुआ नहीं है, मामला उपजाया हुआ है। फिलहाल मामला हुआ है, उपजाया हुआ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ा जो मजहब है वो है इंसानियत, और अगर हम इंसानियत से रहेंगे, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे, तो ऐसे कोई भी मामले नहीं उपजेंगे। सम्मान करते रहिए अपनों का भी, और समाज के हर उस तबके का भी जो समाज के विकास की धारा में आगे बढ़ रहा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी भी धर्म से हो, सम्मान सबके लिए ज़रूरी है, और यहाँ पर धार्मिक उन्माद में फंस कर आपस की जो सौहार्द है उसको खत्म नहीं करना है, यही सच्ची इंसानियत है। और अगर भारत को वास्तव में आगे लेके जाना है, विश्वगुरु बनाना है, तो यहाँ पर न हिंदू न मुसलमान केवल होना चाहिए भारतीय, क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारा देश हिंदुस्तान है। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।